गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। तो एक देखिए, एक मेजर क्वेश्चन जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में आता है एक और, कि यार 10th के बाद एक नया फ़ोन लिया जाए नहीं लिया जाए, हम अपने शहर के बाहर जा रहे हैं तो कौन सा फ़ोन लिया जाए, है ना। बेसिकली मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक स्मार्टफोन का होना किस तरीके से आपके लिए हानिकारक हो सकता है, है ना। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। कि अगर देखिए, आपने महाभारत सबने ही देखी होगी शायद, तो उसमें क्या होता है, एक श्री कृष्ण का एक पथ प्रदर्शक होते हैं श्री कृष्ण, है ना। अर्जुन के पथ प्रदर्शक होते हैं श्री कृष्ण, और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है और वो एक मेंटोर भी होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कर्ण भी जो होता है बहुत इंटेलिजेंट वॉरियर होता है, बहुत सारी धनुर्विद्याएं और सारी चीज़ें उसको आती हैं, और उसका एक दोस्त होता है दुर्योधन, है ना। तो दुर्योधन क्या होता है, दुर्योधन कर्ण को अलग अलग चीज़ों के लिए प्रेरित करता है, है ना, भांति भांति चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें उसके सामने रखता है कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो लाइकवाइज जब एक स्मार्टफोन आपके पास होता है तो उसमें क्या 10 तरीके की चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि आपका माइंड 10 जगह डाइवर्ट होता है। तो सिर्फ स्टडीज में ना लगकर, जो आपका मेन मोटिव है किसी जगह जाकर 2 साल पढ़कर IIT या नीट की प्रिपरेशन करना और वो एग्जाम क्रैक करना, वो मोटिव अपना क्लियर नहीं होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, एक छोटा सा फ़ोन जो स्मार्टफोन नहीं है, एक नोकिया का, जैसे हमारे टाइम पे नोकिया 1600 हुआ करता था, है ना, या अभी के टाइम पे नोकिया 110 होता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि एक छोटा सा फ़ोन लेना चाहिए। इट्स लाइक श्री कृष्ण कि भैया इसमें सिर्फ कॉल आती है, कॉल जाती है, है ना। तो एक ऐसा फ़ोन अपने बच्चे को आप पेरेंट्स दें, और स्टूडेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वही फ़ोन लें। इससे होगा क्या कि बेटा, आप लोगों का जो बेसिक जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। अगर 2 साल आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका मोटिव ये है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। तो वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए डाइवर्जन जितना कम होगा, डिस्ट्रैक्शन जितना कम होगा और कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा स्टडीज़ पे, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि अपने जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से गाइड करें कि एक अच्छा दोस्त चुने, है ना, बजाय कि एक स्मार्टफोन के, है ना। तो एक अच्छा दोस्त चुने, एक छोटा फ़ोन चुने और उसको अपने पास रखें, कॉल करें, बात करें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। तो ऑन दिस टीचर्स डे, यही गुरु मंत्र है मेरा आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।